मैं 5 साल सर्विस की पार्टी की और इसमें हर ओहदे पे रहा, चीफ मिनिस्टर भी बना, मिनिस्टर भी बना, लेकिन इतना प्यार अब जब मैं कुछ भी नहीं हूं, मिनिस्टर नहीं हूं, एमपी नहीं हूं, चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, सिर्फ मैं एक इंसान हूं, उस इंसान मेरा, अब चुप रहो साले, कोई नारा नहीं लगाया। मेरा मजहब इस्लाम है, सबको मालूम। मेरा नाम सबको मालूम, गुलाम नबी। लेकिन उसके बावजूद भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो आपने इस्तीफे दिए, जो आपने अपना समर्थन दिया, आपने सहयोग दिया, वो गांव के हों, शहर के हों, औरतें हों, मर्द हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, मुझे 1 साल लगेगा वो आपकी वीडियो और मैसेज पढ़ने में, और उसके लिए मुझे 1 साल कहीं गुफा में बैठना होगा और वो नाम पढ़ूंगा। एक्टिव लाइफ में शायद मैं जिंदगी में मैं उन सबका शुक्रिया यही करता हूं, मुझे व्हाट्सएप के जरिए, टेलीफोन के जरिए ये तवक्का न कीजिए कि मैं हजारों और लाखों उन लोगों का जिन्होंने मुझे एक इंसान के तौर पर अपना समर्थन दिया, अपना सहयोग दिया है और अपना साथी माना है या लीडर माना है। मैं कश्मीर वादी के लोग हूँ, जम्मू कश्मीर के तीनों खितों के लोग हों, लद्दाख के लोग हों, चाहे उस यूटी का हिस्सा नहीं है लेकिन वहाँ से भी मैसेज मिले, और उन हिंदुस्तान के हजारों लीडरों वर्करों का जिन्होंने आपकी तरह से मैसेजेस भेजे हैं, अपना सहयोग भेजा, आज की इस पहली मीटिंग में मैं उनका भी धन्यवाद। मैं यहां धन्यवाद सबका धन्यवाद तो मैं किया, मैं उन तमाम मिनिस्टरों का जम्मू कश्मीर जो तकरीबन 95% सबका मिनिस्टर, 95% सबका एमएलएज एमएलसी और 99% डीडीसी और बीडीसी के चेयरमैन और मेंबर्स जम्मू कश्मीर के हर इलाके से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और कुछ इंडिपेंडेंट्स भी और दूसरी पार्टियों को छोड़कर उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। मेरे लिए नाम लेना उन तमाम मिनिस्टरों का, सब डाइस पे हैं, कोई पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और दूर दराज इलाकों के वो सबका मिनिस्टर एमएलए जो कश्मीर से हैं या दूर दराज, वो उनसे मैंने ही माफी मांगी है कि आप इधर नहीं आना, आपके इलाकों में जबाऊंगा। लेकिन बिलखसूस मैं उन 5 एमएलए का शुक्रिया अदा करता, कांग्रेस पार्टी के कुल 12 एमएलए चुन के आए थे, उनमें से 3 एमएलए लद्दाख, बाकी 9 एमएलए जम्मू कश्मीर यूटी के बच्चे, उनमें से 3 एमएलए 2 सबका मिनिस्टर, 2 जम्मू सूबे के कश्मीर का, हमारी पार्टी छोड़कर कश्मीर की एक इलाकाई पार्टी में चले गए। 2 साल हुए मैंने न उस इलाकाई पार्टी के लीडर का नाम लिया, न उसके बारे में एक लफ्ज कहा, न मैंने उन 3 सबका एमएलए और मिनिस्टर के बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे
सिर्फ अलग पार्टी बनाने पे वो बौखला गए। मैं क्या करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बाकी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 6 MLA पिछले 2 साल से बचे थे, उनमें से 5 MLA चनाब वैली से जीएम सुरुड़ी साहब और पीर पंचाल से चौधरी अकरम साहब बचे थे, दोनों हमारे साथ आ गए। कश्मीर वादी से 3 ही MLA बचे थे, मातरम हाजी अब्दुल रशीद साहब जो 2002 से चलते आ रहे हैं और अभी भी जो डिजॉल्व्ड असेंबली के मेंबर उसमें थे, गुलजार अहमद वानी साहब अनंतनाग से, हाजी साहब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हैं और गुलजार वानी साहब अनंतनाग से हैं, ये भी 2 असेंबलियों में 3 असेंबली में जीत का है। और जो हमारा फाइटर मिसाइल है बट साहब जो 6 साल MLA रहे, यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे और डिसॉल्व असेंबली के मेंबर थे, तो 5 के 5 MLA हमारे साथ आए। 2 साल से 6th MLA भी हमारे साथ था, अपना अजीजी है। मैं दुआ करता हूं उनके लिए वो कामयाब हो जाएं। लेकिन उन्होंने पलटी आखिरी वक्त पर मारी, तो मैं उनके लिए दुआई कहूंगा, वो चाहे कितनी भी गालियां दें हमारे लिए अजीज ही रहेगा। तो इसलिए और मैं खास तौर से भाई मत डिस्टर्ब करो, मैं 3 सीनियर साथियों जो डिप्टी सीएम रहे ताराचंद जी, ये 96 में चुन के आए, आज से 26 साल पहले मैंने ही टिकट दिलाने में मदद की, वो उनको आज भी याद है और कईयों को जो इधर नहीं आ रहे उनको भूल गए। उसके बाद उस वक्त चीफ विप रहे पार्टी के 6 साल, फिर जब मैं सीएम था 6 साल ये स्पीकर रहे, बाद में कोलेशन गवर्नमेंट हुई उमर साहब के साथ ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। तो कांग्रेस के जम्मू सूबा से 2-3 ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, उसमें कांग्रेस के ही अकेले बचे हैं, बीजेपी के 1-2 हैं, उनको उम्र भगवान दे, मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहूंगा। तो कांग्रेस के जीवित जो डिप्टी सीएम है अकेले, मैं मशहूर हूं कश्मीर वादी से, मेरे पुराने साथी यूथ कांग्रेस पीरजादा मोहम्मद सईद, जब मैं ऑल इंडिया मैं जब स्टेट प्रेसिडेंट था एमरजेंसी के दौरान, ये मेरे साथ अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बाद में पीसीसी में रहे, जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट 2002 में आज से 20 साल गए, तो इन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट की सदारत हासिल, ये मिनिस्टर 80s में भी रहे 90s में भी रहे और पीसीसी प्रेसिडेंट और सीनियर मिनिस्टर कई अरसा रहे, इन्होंने हमारा साथ छोड़ा नहीं पिछले 45 साल से और आज भी। ये ज्यादा सही साहब हाथ तो खड़ा करो, अरे इनको खड़ा करो। मैं दूसरे सीनियर आदमी सीनियर लीडर जिनका इतिहास तारीख महाराजा हरि सिंह के जमाने से शुरू होता, जिनके वालिद साहब हरि सिंह की फौज में ब्रिगेडियर थे, उनके सुपुत्र हमारे ताज महीदीन साहब जो मेरी तरह 2 इन 1 है, जम्मू के भी है कश्मीर के भी है और मैं जरा 3 इन 1 हूं, मैं हिंदुस्तान का भी हूं क्योंकि पूरे मेरी
मेरी असली पॉलिटिकल जिंदगी महाराष्ट्र से हुई। मैं उनका महाराष्ट्र के मेरे भाइयों को जब 1979 में लड़ने गया, मुझे कोई भी नहीं जानता था। मेरी कंपेन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसने जिताया, मक्खी भी नहीं आई थी। मेरे कुछ एक दो यूथ कांग्रेस के साथ ही यहाँ से आए थे, और लेकिन लीडर कोई भी नहीं आया, न स्टेट का लीडर न दिल्ली का लीडर। लेकिन वहाँ के लोगों ने प्यार दिया, आज तक दिया, जैसे आप प्यार देते हैं वही स्वागत मेरा अभी भी वहाँ होता है। उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो ताज महीदीन साहब भी 2002 मतलब 20 साल से एमएलए चलते आ रहे हैं, कैबिनेट में रहे हैं सबकी। तीसरे साल नहीं, यही तीन साथी तारा चंद जी, पी एम सिंह साहब और ताज महीदीन साहब। मैं और सवारे हमारे मिनिस्टर का नाम लूँ तो टाइम लगेगा, सभी माननीय मिनिस्टर सभी रीजनों के यहाँ मौजूद हैं, एमएलएज, एक्स एमएलएज, डीडीसी चेयरमैन मेंबर, बीडीसी मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो उन्होंने ज्वाइन किए हैं, जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन किए हैं, इनमें बहुत सारे प्रदेश कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, उनका बहुत बहुत आभारी। जय सिंह जी ने ये इंतजाम बहुत कुछ किया है, लोग तो हमारे बाकी साथियों ने लाए हैं हर जगह से, लेकिन तामझाम जो है ये उनका है, उनका भी बहुत बहुत बधाई देता। और आप जो आए दूर दूर से, ये दिल्ली का शहर नहीं है, ये कोई बड़ा लखनऊ का बड़ा शहर नहीं है, बंबई का शहर नहीं है जहां करोड़ों की आबादी रहती है, हमारा एक 1.5-1.25 करोड़ तो पूरी रियासत। तो आप जो दूर दूर से आए हैं, मैं आपको सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, सल्यूट करता हूं कि आप अपना मेहनत मजदूरी भूखे प्यासे यहां आए, और मेरी तवक्का के खिलाफ और हमारे जो इंतजाम करने वाले हैं उनकी तवक्का से कई गुना आप ज्यादा आए। तो शायद ये पानी भी इन्होंने चोरी रखा कि इतने लोगों का नहीं था, हमारा तो इंतजाम 10,000 का था तो 20,000 हुए, तो इसलिए वो पानी भी इन्होंने गायब कर दिया, इसलिए कि सर नहीं फूटे। तो ये आप जो प्यासे इस जम्मू की गर्मी और भूखे इस जम्मू की गर्मी में दूर दूर से आए, मेरे हर तबका के एसटी के हों या बाकी शहर और हमारे किसी भी धर्म के भाई बहने नौजवान हों, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। भाइयों और मेरी बहनों यहाँ हैं, बुजुर्गों साथियों, मुझे किसी भी आदमी का दिल्ली से घर में कंप्यूटर चलाने वाले का और गलत मैसेज लोगों को भेजने का, मैं उनकी तरह नहीं, मैं हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ हूं। हिंदुस्तान के किस स्टेट का भी इंचार्ज बना, वहां के शहर में नहीं रहा, वहां के देहातों गांव में सरपंचों के घर रहा, जनरल सेक्रेटरी होकर और मिनिस्टर होकर पंचों के घर में मैंने रातें गुजारी हैं। इंदिरा गांधी जब जेल में गए तो लोग आज मैं देखता हूं कांग्रेस पार्टी से जेल में जाते हैं, सुबह बस में ले जाते हैं और उसी वक्त डीजी वगैरह को फोन करते हैं या पुलिस कमिश्नर को, हमारा नाम बस लिख लिए, एक घंटे में वापस छोड़िए, इसलिए कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन मैं जनरल सेक्रेटरी था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, जब इंदिरा गांधी को 20 दिसंबर 1988 में पार्लियामेंट से बर्खास्त किया और सीधे तिहाड़ जेल ले गए
और मैंने जनरल शक्ति के नाते 5000 यूथ कांग्रेस के लड़कों का जुलूस दिल्ली के जामा मस्जिद से शुरू करके पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में हम सबको गिरफ्तार किया और तिहार जेल में छोड़ा। इंदिरा जी को 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद छोड़ा, लेकिन हमें 20 अगस्त 1988 में गिरफ्तार किया और अगले साल जनवरी में छोड़ दिया, क्योंकि वो जमानत चाहते हैं, हमने जमानत नहीं लिया। लेकिन इस अरसे में दिल्ली के मौसम जम्मू जैसा होता है, श्रीनगर जैसा होता है, दिसंबर जनवरी में सीमेंट का हमारा फर्श था, सीमेंट पर नीचे सोना था, एक कंबल बिछोने के लिए था, वैसे ही जैसे जेल में होता आधा फटा होता और आधा ओढ़ने के लिए होता था जनवरी के महीने, और खाने के लिए 2 चपाती और 1 दाल। हमने उनसे पूछा कंबल क्यों नहीं देते, कहा हमारे पास उस वक्त 8-9 हजार लोग जेल में होते थे, 1 लाख लोग जेल में, तो हम कहां से कंबल लाएं, कहां से खाना लाएं, इसीलिए तुम लिख के दे दो जाओ घर में खाना। लेकिन हमने लिख के नहीं दिया जब तक वो खुद ही मजबूर नहीं हुए, हाँ इतने लोगों को खाना खिलाने और इनका बिस्तर इंतजाम कर। जो आज कहते हैं हमें, मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता है, कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है, ये कंप्यूटर से नहीं बनी है, ये ट्वीट से नहीं बनी है, ये SMS से भेजनी है। गलत अफवाहें हमारे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में फैलाने से नहीं बनी है। दोनों हमारे लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, हमारी बहू बेटियां, हमारे नौजवान, हमारे दिल की धड़कनों में है, हमारे नस नस में है, वो लोग जो हमारे बदनाम, हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, SMS पे है, और इसीलिए जमीन से कांग्रेस गायब हो गई है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं हमें जमीन नसीब करे, उन्हें ट्वीट नसीब करे, दोनों को, वो ट्वीट में खुश रहें और हम मेहनत मजदूरी अपने भाइयों के साथ सड़कों, खेत, खलियानों में, उनके हमारी जिंदगी और हम दफन उन्हीं के साथ हो जाएं, अपने गरीब मजदूरों, किसानों के साथ, अपने भाइयों के साथ, और वह उनको अपनी शहनशाही मुबारक, हमको अपनी गुर्बत मुबारक। मेरे भाइयों, मैं आज लंबा भाषण नहीं करूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी 12-14 दिन हूं, मैं जम्मू में अभी 4 दिन हूं, जम्मू के मेरे भाइयों को कहूंगा आप आखिरी दिन में मिलना, लेकिन दूर दराज मेरे घर पे सबको मालूम है, गांधीनगर में चौक में, जो दूर दराज से आए हुए हैं, रजौरी, पुंछ, नावेली, वो सबसे पहले कल मिले, आज तो नहीं, फिर कठुआ, उधमपुर, रियासी के लोग परसों मिले, क्योंकि उनका नजदीक से आना है, और जम्मू वाले 3रे दिन में। मैं 4 दिन के बाद जिला डोडा में एक आध जगह जा रहा हूं, इंद्रवाल में एक आध जगह रहा हूं, किश्तवाड़ में एक आध जगह जा रहा हूं, वहां मीटिंगे होंगे, वहां के लोग, खास तौर से हमारी बहनें और भाई जो जिला परिषद के हैं, माफ कीजिए जिला परिषद, ये DDC BDC हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर ने नाम रखा, DDC को पूरे हिंदुस्तान में जिला परिषद बोलते हैं, ये लोग खुद ही डिवाइड करते हैं, हमको कहते हैं इंटीग्रेट करो, अरे जब पूरे हिंदुस्तान में
कन्याकुमारी तक जिला परिषद है तो यहाँ पे डीडीसी क्यों रखा? बीडीसी वहां ब्लॉक समिति है, यहाँ बीडीसी, इसलिए मुझे जब जिला परिषद निकल जाता है तो उसका मतलब है डीडीसी, ब्लॉक समिति निकल जाता है तो उसका मतलब है बीडीसी। तो मेरे बीडीसी के भाई बहन कश्मीर के हो, रजौरी पुंछ के हो, कठुआ के, उधमपुर के हो, रियासी के हो, उनकी बारी अपने अपने स्टेटों में आएगी, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आएगी बोलने की और लीडरों की और मंत्रियों की। हमारे कश्मीर के हमारे एक आध सिर्फ सदर साहब बोले, मैंने उनसे कहा भाई कश्मीर में अभी मैं 12 तारीख को हूँ, वहाँ तुम लोग बोलना। जम्मू के साथियों को मैंने कहा एक आध आदमी यहाँ बोलो, बाकी आपके डिस्ट्रिक्टों में बोलना। तो मेरे कहने का मतलब है सुरड़ी साहब और बलवान सिंह जी ने, और बाद में सबका है एक्सडीपी में डिप्टी सीएम ने फरमाया मेरा वक्त एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह, ढाई साल कोई लंबा टाइम नहीं होता है, हिंदुस्तान की तारीख में ढाई साल एक सेकंड के बराबर होते हैं, और जम्मू कश्मीर की तारीख में जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उसकी तारीख अगर गिने तो ढाई साल 5-10 मिनट होता है। तो उस 10 मिनट के अरसे में मैंने फास्ट ट्रैक सिस्टम किया, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में मैंने पहली दफा की, दुनिया के किसी भी मुल्क में चाहे वो मरकजी सरकार हो या अमेरिका जैसे में चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, स्टेटों का गवर्नर होता है, या लंदन में, ब्रिटेन में, दूसरी स्टेटों में, या हिंदुस्तान के स्टेटों में, वो कहीं नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लिए भी मैंने वही प्लान बनाया था, मैंने ही बनाया था, और मेरे साथ ही ख़त्म हुआ। कहीं भी तामीर करने का सिलसिला डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट का मतलब 24 घंटे तामीर करना। मुझे फख्र है कि ट्यूलिप गार्डन, एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन, शायद 15 साल पहले, आज तो शायद और कहीं बना होगा, 15 साल पहले एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन आपके इस साथी ने बनाया, सिर्फ 1.5 साल। जिस साल में, जिस दिन मैंने जगह देखी, काम नहीं शुरू किया, और जिस दिन इनॉग्रेशन करवाया सोनिया गांधी से, इंदिरा गांधी के नाम से मैंने ट्यूलिप गार्डन नाम रखा, सिर्फ 1.5 साल में तामीर हुआ, 3 शिफ्टों में, 24/7। क्या हिंदुस्तान में कोई, मुगलों में भी तो बनाए पार्क, उसके साथ साथ 10-10 साल लगे। मैंने हज हाउस 8 महीने में बनाया कश्मीर। मैंने अपनी यात्रा जो करते हैं हमारे हिंदुस्तान भाई, हमारे हिंदुस्तान भाई, हिंदुस्तान भर से जो हमारे भाई बहने आते हैं वहां कश्मीर जाने के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए, उनके लिए यहां भगवती नगर में रिकॉर्ड 3 महीने में 4 मंजिला, एक नहीं कमरा नहीं, सैकड़ों कमरे, वो यात्री निवास 3 महीने में बना। डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन मार्च के महीने में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा, और तीसरे महीने जून में उसका उद्घाटन किया, कुछ दिन पहले यात्रा शुरू होने से। मुझे हिंदुस्तान में कोई बताए उसने हज हाउस और यात्रा हाउस 3 और 8 महीने में बनाया। मैंने जम्मू कश्मीर की असेंबली 11 महीने में बनवाई। ऐसे कई पुल हैं, ऐसे कई स्कूल हैं। मैंने 6 एम्स बनवाए ट्रिपल शिफ्ट में अलग अलग स्टेटों पर, हेल्थ मिस के नाते। ढाई साल में, और शहर एम्स का मतलब होता है
25,000 लोगों के लिए अकोमोडेशन, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट और लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज और डॉक्टरों के लिए अलग अलग कमरे, ऑपरेशन के लिए सैकड़ों कमरे, ये 2.5 साल में बने। दूसरी हुकूमतें शायद 10-10 साल में बनाएंगी। तो ये इसी तरह से कोई चीज नहीं, करप्शन खत्म की। कश्मीर में क्या क्या किया वो वहां हम बताएं। यहां गोल्फ कोर्स पहली दफा बना, आर्मी का था, बीएसएफ का था, सिविल गोल्फ कोर्स मैंने बनाया। उसके बाद मैं एक बड़ी लेक बनाना चाहता था गुजरनगर से पीछे तक 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर खुला। वो जमीन मेरे डिपार्टमेंट में नहीं थे, मेरे सहयोगी मेरे साथियों के डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने कैबिनेट में उसको रद्द किया। फिर मैं पूरी कैबिनेट को दिखाने गया लेकिन तो भी उन्होंने रद्द किया। इसलिए उस जगह पे मैंने फिर गोल्फ कोर्स बनाया। लेकिन मेरी ख्वाब को पूरा करने के लिए मेरे जो साथी मिनिस्टर्स थे उमर साहब की उम्र में, ताज महीदीन साहब ने वो जो अगली जगह, पिछली अच्छी जगह तो नहीं मिल पाई थी, तब इन्होंने जरा नीचे पुल बना के उसके लिए विलेख बनाने की शुरू की। हाँ, फोर्थ ब्रिज बनाया और उसी के साथ वो लेक बनाने का भी था और वो बना। मैं हरि सिंह पार्क बनाया, जनाना पार्क बनाया, हरि सिंह जो पहला सभी 10 साल से लगे हैं ठुक 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 करते, मैंने एक गो में 40 करोड़ से मंजूर कराया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 उनके रिपेयर के लिए। वो 40 करोड़ अभी इनसे खर्च नहीं होते। और कितने पार्क बनाए, कितने तहसीलें बनाई, कितने डिस्ट्रिक्ट 4 बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने शिवखोड़ी बोर्ड बनाया, कितने शिवखोड़ी बोर्ड बनाया। इस तरह से मैंने कोई हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव नहीं। जमीन जो हमारे गुजर बकरवाल एससी एसटी या शहर के अंदर, वो हिंदू हूं या मुसलमान, जो 40-40 साल के से उन पे कब्जा था, पटवारी लूटते थे, पुलिस लूटते थी, असेंबली में पास करा के उनको जमीन दी, असेंबली में पास की, उसके बाद भी वो जमीनें वापस ले गए। कोई हमारे जो उस वक्त अढ़क रह मेरे तालीम रह मेरे जरिया, वो यहां के थे वहां के लगा दिए। मनरेगा, अभी मेरे साथी ने कहा कि मनरेगा यूपी और यूपी वन में और उससे पहले अटल जी की गवर्नमेंट में और उसके बाद मोदी जी की गवर्नमेंट में, इन 26 साल में अगर किसी स्टेट को ये जो गांव में सड़कें देहात में बनी है पीएमजीएसवाई लिए, किसी स्टेट के लिए अगर मैंने कंपनसेशन मंजूर करवाई है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर। जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला, 1 घंटा बात की कि सर मेरे जम्मू कश्मीर में देहात में कोई सड़क नहीं बनेगी, राजौरी पुंछ में कोई सड़क नहीं बनेगी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, गूल डिस्ट्रिक्ट में, रामबन डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में और कश्मीर के बारामूला कुपवाड़ा अनंतनाग के पहाड़ी इलाकों में कोई सड़क नहीं बनेगी, क्योंकि एक एक आधा आधा कनाल तो लोगों के पास जमीन है, मैं सड़क के लिए एक्वायर करूंगा तो खाएंगे क्या। तो उन्होंने पूछा कहने का मकसद क्या, मैंने कहा कंपनसेशन।
उन्होंने कहा ये कैबिनेट के लिए लेना पड़ेगा। मैंने कहा आपको यूनाइटेड नेशन लेना पड़ेगा, लीजिए। मैंने कहा कैबिनेट मिनिस्टरों को मैं एक एक से मिलूंगा, क्योंकि तब तक मैं सीएम बना था, मैं सब मेरे दोस्त उनको मैं बनवा मनवाऊंगा, तब मुझे लैंड एक्वायर करने के लिए पैसा। तब मैंने पहाड़ी इलाकों के आपके इलाकों में शुरू किया। जब उमर साहब के वक्त में उन्होंने बंद किया तो मैंने प्राइम मिनिस्टर और सोनिया गांधी जी किश्तवाड़ में बुलाया, बहुत भारी जलसा हुआ। मैं उस वक्त मैं कैबिनेट का मिनिस्टर था खुशकिस्मती से दिल्ली में, तो मैंने कहा कि ये मेरा इलाका है, मेरा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन मैं आज इस डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट की मांगे बहुत सारी मैंने पूरी की है। डिस्ट्रिक्ट देना, कॉलेज स्कूल देना, उसमें आपके देने के लिए कुछ रहा नहीं है, वो मैं दे रहा हूं। सिर्फ मैं स्टेट की तरफ से एक ही चीज मांगता हूं, जो मेरे वक्त में आपने सहूलियत दी थी, जमीन का कंपनसेशन देने की। वो कंपनसेशन उमर साहब के वक्त में हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है उसको कंटिन्यू। लकली मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, मैंने पार्लियामेंट में कैबिनेट में उठा, कैबिनेट में नोट आ गया, रिजेक्ट कर दिया कैबिनेट। उन्होंने कहा आसाम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, मिजोरम में नहीं। तो उससे गया गुजरा, मैंने कहा हाँ उससे गया गुजरा, हमारे पास जमीन नहीं, इसलिए दोबारा मैं अरे बह जाओ भाई थले ए जड़े पीछे खबे सजे मुड़ दे नहीं आधे आपको नहीं आ रहा उनको आ रहा पीछे सुनाई देना नहीं माइक दे पीछे जो आ रहे है 50वीं लो रो में 100वीं रो में हाथ खड़े करो नहीं जिन्होंने समझ आती है वो हाथ खड़े करो अच्छा सारे सुन रहे हैं भाई अरे पीछे सब सुन रहे हैं आगे मेरी आवाज सुन अरे आपको नहीं आ रहा उनको आ रहा है चुप करिए आप अगले वाले तो मेरी आवाज सुन सकते हैं 90% लोगों को आ रही तो इसलिए मैंने फिर सब कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ बात की और काबीना में दूसरी काबीना में मंजूर हो गया और इस तरह उमर साहब के वक्त में भी वो सिलसिला जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट चली उसके बाद आज तक क्यों नहीं हुआ उससे पहले क्यों नहीं हुआ आज 800 करोड़ लाइबिलिटी आज लाइबिलिटी कहते हैं 800 करोड़ तो मेरे भाइयों मैं जब यहां था जो कर सकता था वो किया जो नहीं करवा सकता था वो दिल्ली से करवाया कैबिनेट में बैठकर जम्मू के लोग हो कश्मीर के लोग हो उनके लिए लड़ाई लड़ी हमारे मुल्क के दूसरे इलाकों में जहां भी इंसाफ ना इंसाफी होती थी वहां के लिए लड़ाई लड़ी मेरे मरने तक मेरी लड़ाई जम्मू कश्मीर के इन लोगों को इंसाफ देने के लिए चाहे वो यहां के किसान हो यहां के मजदूर हो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हो कस्बों में रहने वाले हो शहरों में रहने वाले हो वो दुकानदार हो वो ट्रांसपोर्टर हो मुझे मालूम है पिछले कुछ सालों में जम्मू के ट्रांसपोर्टरों की क्या हालत हुई जब मुझे आने की इजाजत नहीं दी
पार्लियामेंट ने अगर नहीं चला होता, अगर पार्लियामेंट नहीं चला होता तो मुझको भी कहीं जेल में रखा होता बाकी चीफ्स की तरह। लेकिन पार्लियामेंट के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसकी आवाज पूरी दुनिया में जाती, क्योंकि मैं कहा ही नहीं कुछ। और पार्लियामेंट में जो भी कहा मैंने स्टेट तोड़ने पर, और 370 तक वो तो इजाजत है कॉन्स्टिट्यूशन, बाहर तो मैंने कोई ऐसी गाली नहीं, इसलिए हमको छोड़। लेकिन उसके बाद मैंने कश्मीर जाने की कोशिश की, कश्मीर एयरपोर्ट पर जब पार्लियामेंट अभी चल ही रहा था, कश्मीर एयरपोर्ट में मुझे 5 घंटे रखा और उसके बाद आखिरी फ्लाइट में दिल्ली भेजा। 1 हफ्ते के बाद मैंने जम्मू आने की कोशिश की, जम्मू के एयरपोर्ट पे 4 घंटे रखा, चाय दी उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया, खाना पीना नहीं हुआ, और आखिरी फ्लाइटें, क्योंकि उस समय जम्मू की बड़ी कम फ्लाइट है, आखिरी फ्लाइट में पैक करके दिल्ली पहुंचा। फिर उसके 1 हफ्ता बाद मैंने तमाम अपोजिशन के लीडरों को जोड़ा कि हम सब मिलके कश्मीर एक अटेम्प्ट करें। उसमें राहुल गांधी को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैंने सब पार्टी के लीडरों को जोड़ा, आप भी आए, आगे कश्मीर में गए, 4 से 5 घंटे हम सभी अपोजिशन के लीडरों ने एयरपोर्ट पर वापस भेज दिया। फिर मैं चुप नहीं बैठा, कई लोग स्टेटमेंट देते हैं कि अरे हमारी सुने, मैंने 5-6 वकील किए और मैंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे इजाजत दी जम्मू, सिर्फ जम्मू शहर में, और कश्मीर में अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और भी बताई कि जो भी आप वहां सुनेंगे उसकी रिपोर्ट हमें दीजिए, वो प्रेस को मत दीजिए, और आपको ये इजाजत पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं दी, आप कोई मीटिंग पब्लिक नहीं कर सकते, आप कोई वर्कर्स मीटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ लोगों की दाद फरदाद सुनते। सुप्रीम, मैंने दौरा किया सुप्रीम कोर्ट, मैंने जो हो रहा था जम्मू में किसानों की, हमारे ट्रांसपोर्टर की हालत क्या थी, हमारी सब्जी मंडी और शहीदी चौक या बाकी जगहों में हमारे दुकानदारों की क्या हालत होती, हमारे टीसराल होटल वाले, फ्रूट वाले, उनकी क्या हालत हुई थी। तो ऐसा अगर कहेगा कि हमने कुछ नहीं किया, अगर मैंने ये सब कुछ कुछ नहीं है, वो मुझे बताइए उन्होंने क्या किया है? सिर्फ लोगों को गुमराह करना, इसके अलावा और कुछ किया? मैं मुबारकबाद देता फारूक अब्दुल्ला साहब, हमारी सियासी तौर पर वो हरीफ रहे, इकट्ठे रहे, प्यार करते रहे, लव हेट हमारा रिलेशन चलता रहा, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, बल्कि तारीफ की, एक स्टेट्समैनशिप। कल को शायद इलेक्शन में हमारा टकराव हुआ, लेकिन लीडर वो है, वो टकराव से नहीं डरे, क्योंकि जमहूरियत में हर पार्टी को पार्टी बनाने का हक है, पार्टी ज्वाइन करने का हक है। मुझे खुशी है कि शोएब नयन साहब जो उस पार्टी में थे जो ज्यादा चलाते हैं, 1 विकेट चली गई, यहां मौजूद है। इनके वालिद साहब पीडीपी में मंत्री थे मुफ्ती साहब के वक्त में, और मेरे वक्त में ये एमएलए थे, बाय इलेक्शन में जीत के आए, जनरल सेक्रेटरी भी रहे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी थे जिस वक्त उस दूसरी पार्टी में गए। तो कम से कम जिसने आपके वालिद साहब के बाद आपकी
सरबराही की थी। अरे सर, उसके साथ ये वापस आए आज, मैंने यही देखा। एक बात यहाँ कहूंगा, जितने यहाँ लोग हैं 100% लीडर्स, मुझसे पूछ के कोई नहीं आया। रिजाइन करने के बाद मुझे मैसेज भेजा, मैंने वैसे ही बताया कि ये मैसेज पढ़ने में कई साल लगे, कई में चेहरे आज देखता हूँ, एयरपोर्ट यहाँ देखता हूँ, ये भी आ गए, चाहे कांग्रेस से हो या दूसरी पार्टी। सईद रशीद साहब कश्मीर से हैं, अनंतनाग, अरे अनंतनाग के एक्स अनंतनाग, और साउथ कश्मीर से मिनिस्टर हैं मुफ्ती साहब के जमान वक्त में, पीडीपी में थे, ये भी यहाँ गए। तो इस तरह से अभी तो इब्तदाई इश्क है, देखिए है आगे होता है क्या। इसलिए मैंने कुछ चीजें आखिर में कुछ नोट की। मेरा अगले वक्त में जो नई पार्टी बनेगी, कई नाम लोग दे रहे हैं, वो सब गलत है, अभी डिसाइड नहीं किया। हमारी पार्टी का झंडा जब सुबह के लोग, कश्मीर सुबह के लोग और लीडर मिलकर जो तय करेंगे, वही झंडा होगा, वही नाम होगा। मैं आप दिल्ली में बैठकर आपके लिए फरमान नहीं जारी करूंगा, ये मेरा झंडा और ये मेरा नाम, उसमें इनका सहयोग होना चाहिए, इनका दिल होना चाहिए। वो नाम और झंडा गांव वाले भी बोल सकते होंगे, शहर वाले और कस्बे वाले। मेरे पास कई नाम आए, कश्मीरी के नाम आए, वो उर्दू ज्यादा फल देते हैं, हमारे जम्मू वाले हैं वो संस्कृत वाला देते हैं। मैंने कहा भाई, जब ट्रांजिशन हो रहा था 1947, उससे पहले उर्दू पढ़ी जाती थी, उर्दू बोली जाती थी, आज़ादी के बाद हिंदी भी आ गई, संस्कृत भी, पहले तो कोई बहुत ही विद्वान पढ़ते थे लेकिन इंट्रोड्यूस। तो नेहरू ने कहा कि हमारा हिंदुस्तान गंगा जमनी हिंदुस्तान, तो हमारी आम बोलचाल होगी सभी धर्मों की, वो न संस्कृत होगी और न बिल्कुल प्योर होगी, वो हिंदुस्तानी होगी। तो आज 75 साल से हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदुस्तानी बोलते हैं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी किसको कहते हैं, जो मेरे हिंदू भाइयों ने भाषण किया, मेरे मुसलमान भाइयों ने भाषण किया यहाँ भी और हिंदुस्तान में, जो हम घर में भाषण करते हैं, वो ना किसी मौलाना की उर्दू है, न किसी पंडित जी की संस्कृत है, वो आम भाषा है जो सबको समझ आती है। तो मेरा नाम पार्टी का भी एक उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह एक ऐसा हिंदुस्तानी नाम होगा जो हिंदू भाई भी समझे, मुसलमान भाई भी समझे, सिख भाई भी समझे, ईसाई भी समझे। बौद्ध अगर इसका हिस्सा होते, सौभाग्य से वो सब उर्दू जानते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरे भाइयों, मैंने कुछ सुनिए, आखिरी है, मैंने 10 मिनट में बताता हूं कि मेरा आने वाला एजेंडा क्या। मैं इंग्लिश मीडिया के लिए और हिंदी समझने वाले, उर्दू समझने वाले के लिए उसका ट्रांसलेशन करूंगा, लेकिन अंग्रेजी वालों के लिए उसका पहला काम होगा। हमारा एजेंडा सबके लिए होगा, मैं इसकी कॉपी दूंगा, ये सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, सब अपनी अपनी बोलूंगा। रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड, राइट टू लैंड, कोई नारा नहीं भाई, राइट टू लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट टू नेटिव डोमेसाइल, तीन चीजें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होंगी हमारी पार्टी की। पूरी स्टेटहुड
ऐसी असेंबली नहीं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसी असेंबली जिसमें गवर्नर हो। ला असेंबली बनानी चाहे। दूसरा, जमीन कोई बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर में, नौकरी बाहर से कोई न करे। हमारी नौकरियां कितनी होती, समंदर में बूंद के बराबर, उसको भी आप ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट करो तो वो बूंद से भी गायब हो जाएंगे। और ये मुबारकबाद देता हूं महाराजा हरि सिंह जी को, ये दोनों चीजें, तीनों चीजें 1925 1930 में हरि सिंह ने रखी थी, जमीन। और बाद में जब अकॉर्ड हुआ उसमें हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी, और जेएन के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। तो ये कोई असंवैधानिक बात नहीं, जिसको 72 साल हिंदुस्तान के आईन ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपतियों ने, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टरों ने, कांग्रेसी हो गैर कांग्रेसी हो, उन्होंने मंजूर किया, पार्लियामेंट ने, लोकसभा राज्यसभा ने मंजूर किया। तो हम कौन होते हैं इसको गलत कहने वाले। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कई वारदातें आई, ज्यादातर किलिंग तो हमारे जहां हिंदू इलाकों में भी जम्मू की हुई है, मुसलमानों के भी 20-20, 30-30 लोग एक एक मैसेकर में मिलिटेंट हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन की ज्यादा वारदातें कश्मीर से आए, उसके बारे में मैं कश्मीर की स्पीच में बताऊं। फिर रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन द वैली, मेरा रिकॉर्ड है, मत करो, मेरी चीफ मिनिस्टर के दौरान, शुक्रिया अदा करता हूं हमारी गुजारिश इस पर, मनमोहन सिंह ने जो जगती, मैंने वो जगह भी खुद देखी, चुन भी की और बनवाई भी, और मनमोहन सिंह जी इनॉग्रेट की, तकरीबन 20,000 हमारी कश्मीरी भवन, और उसके अलावा और दो तीन जगहें वो भी मैंने बनवाई। जम्मू बड़गाम में भी प्राइम मिनिस्टर ने पैसा दिया, उससे भी बनवाए, कुछ मुफ्ती साहब के जमाने बनी, कुछ मेरे अमीन भट्ट से आपके कुछ एरिया में बनी। तो ऐसा हम जबानी नहीं कहते, जो हमारी रिसोर्स थी उस वक्त में हजारों लोगों को बसाया। इसलिए ये कोशिश जारी रहेगी कि जो भी आना चाहता, हम जबरदस्ती किसी, मुझे कश्मीरी पंडित, कल कश्मीर फंक्शन था उसमें 90% कश्मीरी पंडित, कोई अमेरिका से आया था, प्राण किशोर जी हमारे बहुत राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे, उनके 76 साल हुए, उसने कल बुक रिलीज की, मैं चीफ गेस्ट था, वोरा साहब ने रिलीज की, मैं चीफ गेस्ट, मुझे खुशी हुई कि कुछ हमारे भाई अमेरिका पहुंचे वहां फले फूले, कुछ लंदन पहुंचे फले फूले, कुछ बंबई कलकत्ता वहां फले फूले, लेकिन जो बेघर हैं बेनौकरी के, मेरा दिल आज दुखता है। हमारे वक्त में ही, मेरे वक्त में ही प्राइम मिनिस्टर ने 6,000 लोगों कश्मीरी पंडित के लिए रिजर्वेशन दी, 3,000 के लिए मैंने पहला एडवर्टीजमेंट किया था और वो आई थी, उस वक्त तक से आज तक वो 6,000 पूरे नहीं हुए। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो नौकरी करते थे कश्मीरी की, उनके फिर किलिंग शुरू होना हो गई। ये किलिंग बंद होनी चाहिए, जो आना चाहिए उसके लिए रहने का बंदोबस्त करो। इसी तरह से हम आनर, इज्जत, आबरू हमारी बहू बहनों का, हमारे नौजवानों का,
हमारे लोगों की इज्जत आबरू टू इंश्योर ऑनर डिग्निटी रेस्पेक्ट एंड इंटीग्रिटी ऑफ सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये हमें साथ साथ करना। क्रिएटिंग एन अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर, बेकारी दोनों किस्म की है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेटेड और लेस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं मिले। मुझे शर्म आती कि हमारे लेबर, हमारे डेली वेजर्स एडहॉक पे बने 20-20 साल से, 15-15 साल से 3000 रुपए पे काम करते हैं। दिल्ली कई दफा आए, शादी किया है, 4-4 बच्चे, 3000 में खुद क्या खाते हैं, बीवी बच्चों को क्या खिलाते हैं, कपड़े कहां से लाते हैं, ये एक अजूबा है हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया। ओ बात विच करियो, इसलिए उनका हक बनता है सबसे पहले। लेकिन नए रोजगार कैसे करें, नए रोजगार करने के लिए मैंने मेरे दिल में भंडार, हमारे पास वो खजाना है जो जम्मू के लोगों ने नहीं देखा, कश्मीर के लोगों ने नहीं देखा। मैं जम्मू कश्मीर का एक एक पहाड़, एक एक पहाड़ी, क्योंकि घूमता था हेलीकॉप्टर में तो पहाड़ियों को क्रॉस करने जाता था, कश्मीर वादी में, जब मैं उड़ीसा उड़ी में जलजला आया और नेस्त नाबूद हो गए मकाना, उड़ी और टंगदार दोनों में, भाई उड़ी और टंगदार, इनके कांजियों से अपने ताज महीदीन साहब, मैं रोज जाता था तो रास्ते मुझे एक दुनिया नजर आई, बंगस। वहां 1 करोड़ टूरिस्ट जा सकता, गुलमर्ग का बाबे आदम 100 गुलमर्गों के बराबर है। मैंने वहां रोड शुरू कर दी मेरे वक्त में, अभी तक वो मुकम्मल नहीं। मेरा मकसद था, मैंने उसमें फास्ट क्लियरेंस भी दिलाया दिल्ली से, वहीं 1 करोड़ आजम हाजम हो जा रही। हमारे तोश मैदान जहां मैंने टूरिज्म अथॉरिटी बनाई, वहां करोड़ों लोग से आ जाते हैं। अनानाग जिले में कितने जहां हमारे गुजर बकरवाल भाई जाते हैं, इतनी धारें हैं, कनेक्टिविटी देनी है। हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में कितनी धारें हैं, गुलगुलाम में कितनी धारें हैं, कनेक्टिविटी बनानी है, लाखों टूरिस्ट जा सकता है और हजारों एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। लेकिन किसी ने देखा हो और तब सोचेगा, हमने देखा, चाहे वो कश्मीर के पहाड़ हो, जम्मू सूबे के पहाड़ हो, कोई पहाड़ ऐसा तहसील नहीं है जहां ये टूरिज्म का खजाना। हमारे आज रेत है, उसके ठेकेदार बाहर, आज हमारे कोई पहाड़ी है वो बाहर से, वाइन शॉप कश्मीर में तो है नहीं लेकिन जम्मू में 50-250 थी, उसमें 225 भी बाहर, नहीं कश्मीर में तो खुलने ही नहीं देते ना, अब खोली होंगी, लेकिन जम्मू में मुझे मालूम है 250 था, 250 में से सिर्फ 10 या 12 माल की, बाकी बाहर बाहर। और उनका व्यापार बिजनेस, बच्चे इसी पर ताली में हंस करते थे 30 साल के 40 साल के लिए। हमारी रेत थी, जो गरीब आदमी मकान बनाता था वो बाहर से आए ठेकेदार, वो 1000 गुना ज्यादा कीमत पर बेच रहे, बजरी बेच रहे, हमारे
गरीब कहां से मकान बनाए, बिल्डिंगें बनाने की कीमत 10 गुना बढ़ गई, कॉलेज स्कूल बनाने की 10 कीमत बढ़ गई, क्या सीनियर क्या सहूलियत मिलती है? कोई सहूलियत नहीं मिलती। अस्पताल खाली, अस्पताल मैंने बनवाए, डॉक्टर के लिए भी मैंने पार्लियामेंट में हेल्थ मिनिस्टर के नाते हिंदुस्तान के जो हेल्थ से रिलेटेड एक्ट उसमें चेंज किया, डॉक्टरों की तादाद कितने गुना बढ़ाने की आपके मेडिकल कॉलेज दिए, सुपर स्पेशलिस्ट दिए, फिर कहां जाते हैं ये डॉक्टर? फिर गांव में डॉक्टर क्यों नहीं, कहां जाते हैं? क्योंकि गांव की तरफ किसको ध्यान, शहरों में सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत कहां है? सुपर स्पेशलिस्ट, मैं आज हेल्थ मिनिस्टर नहीं हूं, डॉक्टर मुझसे तंग आ गए हैं कि आप हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, हमारा खलासी करिए, दिन में मुझे 100 केस जम्मू कश्मीर के ज्वाइन कराने, क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ नहीं है, उनमें डॉक्टर नहीं, इसलिए वो उसकी तरफ हमारा ध्यान है। डेली वेजेस की मैंने बात की, सिख रिवाइवल ऑफ सिक्स यूनिट क्रिएटिंग जॉब्स एवेन्यूज, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि स्टेट के डिवीजन के बाद कठुआ, पार्लियामेंट में कहा स्टेट के डिवीजन के बाद जम्मू कठुआ में 70% इंडस्ट्रीज बंद हो गई और उसमें अभी भी 60-50% बंद है, उससे इंडस्ट्री उसमें तो जम्मू के लोग, जम्मू सुबह के लोग, उनको रिवाइव करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर कोचिंग सेंटर, आज पूरे हिंदुस्तान में जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लाखों ड्राइवरों की जरूरत, लाखों हाउस होल्ड की जरूरत, लाखों रेस्टोरेंट में जरूरत, यहां ट्रेनिंग सेंटर में, आज जमीन नहीं है, लोग मजदूरी करें, जो 8वीं 10वीं पास वो ये ट्रेनिंग कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट 4 दिन में मिलती है, इन तमाम चीजों के उनके ट्रेनिंग सेंटर हो, मेजर थ्रस्ट होगा डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट, इक्विटेबल एबल जो हमारी डेवलपमेंट होगी, बराबर जो डेवलपमेंट होगी वो बोथ रीजन में होगी, मानो रेल की कोशिश करेंगे जम्मू और श्रीनगर, जम्मू जम्मू में ही 2.5 लाख लोगों के पास घर नहीं, उनके लिए बड़े शहरों में छोटे कस्बों में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लाइक अपार्टमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आईटी पार्क्स कश्मीर में जम्मू में बच सकते हैं, हेल्थ केयर का मैंने पहले बताया, ये तमाम चीज़ें हमको करनी, लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए, एक होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए और आपसी मेल जोल होना चाहिए, ये नफरत जो बीच में हमारी दीवारें खड़ी की गई हैं, रीत रेत की दीवारें, उन रेत की दीवारों को तोड़ दो और तामीर और तरक्की की तरफ सब बढ़ जाए हमारा साथ। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ, खुदा हाफिज, जय हिंद। आजाद साहब आगे बढ़ो, आजाद साहब जोर से, देश प्रदेश की मजबूरी है लगी हुई है कांग्रेसियों की, अरे उम्मीद कांग्रेसी दो सरकार की होती है मगर न, और कट में तो साया इंसान से बड़ा होता है, बाकी मैं आप लोगों से खड़ा हो जाए, फिर उस वक्त राहुल जी और प्रियंका जी बड़ी छोटी थी लेकिन उसके बावजूद भी आप उनके साथ खड़े रहे, ये एक आपका फैमिली पन था, आज भी टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।